आपके सिलेबस में हम थर्ड यूनिट में चल रहे थे, इसमें पार्टिकल्स को सेटल करने को या रिमूव करना है, सेपरेट करना एयर में से, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आपका हो चुका था ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, उसके बाद था आपका साइक्लोन सेपरेटर और वेट कलेक्टर। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर भी ग्रेविटी पे ही काम करता है। ठीक है, इसका बस जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग है। थोड़े छोटे पार्टिकल जो है ग्रेविटेशनल से, जो छोटे पार्टिकल थोड़े ग्रेविटेशनल तो 50 माइक्रोमीटर तक ही सेटल करता है, ये उससे थोड़ा सा और कम कर लेता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम, देख सकते हो साइक्लोन एक कॉनिकल आपका शेप है इसकी। इसमें क्या होता है, एक जगह से एयर इनलेट होती है, दूसरी जगह से आउटलेट होती है, और जो एयर सेटलिंग चैम्बर में क्या होता था, एयर की वेलोसिटी को रिड्यूस करते थे। रिड्यूस करने से उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बेस पे सेटल गुड हो जाते मॉर्निंग थे। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब क्लास के बीच में कर रहे हो ना? गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, देख लो, अब ध्यान दे लो जरा। एयर में से, एम्बिएंट एयर में से जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए जो सेकंड मेथड है वो आपका है साइक्लोन सेपरेटर। इसको साइक्लोन कलेक्टर भी कह सकते हैं, साइक्लोन इसको सेपरेटर भी कहते हैं, साइक्लोन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉनिकल शेप का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक तरफ से एयर जाती है, दूसरी तरफ से एयर निकलती है। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में क्या होता था, वेलोसिटी एयर की रिड्यूस करते थे, और टाइम के साथ साथ आपका टाइम टेकन था उसमें पार्टिकल जो होते हैवी वो सेटल हो जाते थे बेस पे। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होता है जब एयर एक जगह से इनलेट होती है तो इसके इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है कि एयर जो होती है साइक्लोन की तरह इसमें मूव करती है, और जब साइक्लोन की तरह मूव करती है जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसके वॉल पे टकराते हैं, फिर वहाँ पे सेटल हो जाते हैं सरफेस पर, और धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे बेस में वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो यही इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, आप जैसे इसको हम कह सकते हैं कि हम साइक्लोन में एयर को भी क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी को भी क्लीन कर सकते हैं। एयर और पानी में से, फ्लूड में से, लिक्विड में से हम हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। आपने देखा होगा अगर बाल्टी में आप पानी भर के, बाल्टी में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का डालो और उसको बीच में हाथ डाल के पानी को घुमा दोगे साइक्लोन की तरह, तो वो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ भागेगा, वो भागेगा आउटर सरफेस की तरफ, बाल्टी की सरफेस पे टच होगा वो। तो वही सेम यहाँ होता है, जो हैवी पार्टिकल है इसकी सरफेस पे टच होते हैं और फिर वो ग्रेविटी की वजह से स्लिप होके नीचे सेटल हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ग्रेविटी काम करती है इस मैकेनिज्म में। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, वर्किंग प्रिंसिपल, डिजाइन प्रोसीजर, टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंडस्ट्रियल यूसेज, और एक न्यूमेरिकल आएगा। ग्रेविटी चैम्बर में भी एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है और पार्टिकल का साइज निकालना है कि हमारा जो ये पैरामीटर्स जो है डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमारा सेटिंग चैम्बर कितने डाया के पार्टिकल को सेटल कर सकता है, फिर उसकी इफिशेंसी निकालनी है। सेम एज इसमें करना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हाट इट इज, क्या है ये, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर भी कह सकते हैं इसको, साइक्लोन सेपरेटर को। स्टेशनरी मैकेनिकल डिवाइस डेट यूटिलाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम ए कैरिज गैस। ठीक है, साइक्लोन्स हैव नो मूविंग पार्ट अवेलेबल इन मैनी शेप एंड साइज, एग्जाम्पल ऑफ 1 to 2 centimeter डायासोर सैम्पलिंग साइक्लोन यूजिंग पर्टिकुलर एनालिसिस ऑफ लार्ज डायमीटर, मतलब छोटे और बड़े दोनों ही साइज में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसको आप वेट स्क्रबर जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट स्क्रबर, वो भी इसी चीज पे काम करता है, लिक्विड उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन है ये साइक्लोन सेपरेटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है मेथड्स का,
जिनसे हम डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास से लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो हमारे जो सिलेबस में वो है आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर, वेट स्क्रबर, फैब्रिक कलेक्टर, और आपका है साइक्लोन सेपरेटर, और आपका है सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, ये पूरा इसने ट्री बना दिया है जिसमें डस्ट कलेक्टर के चार मेथड है, फिर उनको भी डिवाइड किया गया है अलग अलग मेथड्स में। ठीक है, तो हमारा जो है वो ये चार पांच हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है। सेटलिंग चैम्बर वही ग्रेविटेशनल हो चुका है, और अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोन की, उसके बाद हम बात करेंगे वेट स्क्रबर की, और उसके बाद फैब्रिक कलेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेटिक। तो इस तरह से हमारा ही चलेगा। वर्किंग प्रिंसिपल, द फॉलो एंटर नियर द टॉप, टॉप में एक इनलेट होता है जहाँ से हमारी एयर इन होती है, टेंजेंशियल इनलेट, विच गिव्स राइज एन एक्सियली डिसेंडिंग स्पाइरल ऑफ गैस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स फील्ड दैट कॉज द इनकमिंग पार्टिकल्स टू कंसंट्रेट अलोंग एंड स्पाइरल डाउन इन वोलन साइक्लोनिक। क्या क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका जो ऑपरेटर है यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ऐसा इनलेट है, टेंजेंशियल इनलेट है, जिससे ये हमें इसका जो वेलोसिटी है, इसकी जो मूवमेंट है, वो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में दे सके। इसलिए क्या है, जो इनलेट है वो टेंजेंशियल है, इसका आउटलेट टॉप पे है। द कलेक्टेड पार्टिकल्स आर अलाउड टू एग्जिट आउट एंड आउट अंडर फ्लो पाइप व्हाइल द गैस फेज रिवर्स द एक्सल डायरेक्शन फ्लो एग्जिट आउट। ये कह रहा है जी बिल्कुल नीचे बॉटम पे जो आपके पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, और उसके अपोजिट बिल्कुल आपका एक एक्सियली डायरेक्शन में दिया हुआ है जहाँ से आपकी क्लीन एयर आउट हो जाएगी। ये इसके हैं आपके पार्ट्स, साइक्लोन सेपरेटर जिसमें आपका वॉर्टेक्स फाइंडर है, ये टेंजेंशियल इनलेट है, यहाँ से हवा जाएगी, इसको बोलते हैं बैरल, इसको बोलते हैं कॉन, इसको बोलते हैं डस्ट कलेक्टर। ये पैरामीटर, ये जो आपके इसके जो पार्ट्स हैं याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते काम आएंगे। डायग्राम भी बहुत सिंपल है, डायग्राम भी आपको बनाना है, कुछ भी पूछ लिया जाए इन सब मेथड्स के बारे में डायग्राम जरूर बना देना। होता क्या है, जब एयर इसमें जाके ऐसे ऐसे साइक्लोनिक वे में जाती है तो जो पार्टिकल्स हैं आपके वो यहाँ यहाँ है ना स्पिच पक जाते हैं, और फिर वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। डिज़ाइन प्रोसीजर इतने टाइप की होते हैं, देखो वर्टिकल होता है एक साइक्लोन सेपरेटर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मल्टीपल भी होता है कि बहुत सारे सेपरेटर लगे हुए हैं, और एक सिंगल भी होता है, और एक हॉरिजॉन्टल साइक्लोन सेपरेटर भी होता है। डिज़ाइन पैरामीटर में आपकी इनलेट की जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो होगा, ठीक है, जहाँ से एयर निकल रही है उसका डायमीटर, हाइट ऑफ साइक्लोन और हाइट ऑफ सिलेंडर एस वॉर्टेक्स डायमीटर, ये हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा बी सी, हो जाएगा कॉन डिप डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं सब पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको डी पी निकालना होगा। सेम है सेटलिंग चैम्बर, दोबारा से थोड़ा ध्यान से समझना, एक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई एडवांस कुछ टेक्निकल कुछ तो लगा नहीं है, क्या है उसका एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है एक मेटल का जिसका कुछ साइज है, कुछ शेप है, तो उसका जो साइज और शेप है उस पर ही डिपेंड करता है कि वो किस कितनी उसकी एक्यूरेसी है, कितनी इफिशेंसी है। तो हमें निकालना क्या है, जो गिवन साइज है उसमें हमारा कितना डाया का पार्टिकल सेटल हो रहा है, उसी से हमें निकालना है। सेटलिंग में भी यही करना है, इसमें भी करना है, तो सारा डाटा गिवन होगा हमें। डिज़ाइन ऐसे नहीं करना कि हमें आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ पार्टिकल हो, आपको डिज़ाइन करना है, ऐसा नहीं करना। हमें डाटा दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, उसका डायमेंशंस दी हुई है, हमें ये पता करना है कि इस डायमेंशन के अपरेटर्स से हम कितने डाया के पार्टिकल को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, स्टेयरमैन टेबल होती है कि एक साइड से आप लेके चल रहे हो और सारे पैरामीटर को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डी क्या है आपका, डी है आपका ये बैरल डायमीटर। ठीक है, ए बी एक्स डी एक्स डी एच एच एस जी बी सी एल, ये क्या है, ये सारे इसके पैरामीटर है, इन सब का रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल आता है, आगे आएगा तो न्यूमेरिकल और समझ जाओगे। ये जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये आपका एक
सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपका सॉल्व किया हुआ है। इसका नाम है स्टैट ग्राफिक सेंचुरियन XV। ये एक सॉफ्टवेयर, इसकी हेल्प से इसमें निकाला जा सकता है। तो इसको तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये इसमें आपकी फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग की हुई है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। चलो ये देखते हैं, साइक्लोन कलेक्टर डिज़ाइन कंसिडरेशन। एक तो पार्टिकल का साइज, पार्टिकल विथ लार्जर मास बीइंग ऑब्जेक्ट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द डस्ट पार्टिकल, टाइम दैट फोर्स एग्जर्टेड इन द पार्टिकल। ये तीन चीज़ें कंसिडर करनी है हमें डिज़ाइन करते वक्त। मैथमेटिकल मॉडल एंड इक्वेशन, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस से बाहर है, उसको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। ये आपको डायग्राम आपको समझ लेना है, और आपको उसके पार्ट्स के नाम भी, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टोक लॉ, जैसे ग्रेविटेशनल चैम्बर में आपका स्टोक लॉ की हेल्प से एक इक्वेशन सॉल्व की थी, और उस इक्वेशन की सॉल्व से डीपी डायामीटर ऑफ पर्टिकुलेट का निकाला गया था, वैसे इसमें किया गया। लेकिन मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा इसको, दूसरी स्लाइड है उसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो इसको अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, और ये तो लिमिटेशन दी हुई है इसकी मॉडलिंग करने के लिए, इनको नहीं पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। द कलेक्टेड प्रोडक्ट रिमेन ड्राई एंड नॉर्मली यूजफुल, लो कैपिटल इन्वेस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोस्ट एप्लीकेशंस, वेरी कॉम्पैक्ट एंड मोस्ट एप्लीकेशन कैन बी यूज अंडर एक्सट्रीम प्रोसेस कंडीशन, नॉ मूविंग पार्ट, वेरी रोबस्ट, कैन बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम प्लेट मेटल, कैन इन सम प्रोसेस हैंडल स्टिकी एंड टैकी सॉलिड विद प्रॉपर लिक्विड, कैन सेपरेट आइदर सॉलिड एंड लिक्विड पर्टिकुलेट समटाइम्स। देखो ध्यान रखना, जितने भी इक्विपमेंट हैं या मेथड हैं जिसमें ग्रेविटी यूज़ की जा रही है, और जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, ठीक है, उसकी एडवांटेज तो यही होगी कि वो सस्ता होगा, वो सिंपल होगा, और उसमें कोई एक्स्ट्रा एडवांस टेक्निक यूज़ नहीं हो रही है। इसकी डिसएडवांटेज ये होगी, उसकी इफिशेंसी कम होगी, पार्टिकल्स के जो होंगे वो ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स कोई करता है, छोटे पार्टिकल्स को नहीं कर पाएगा। तो यही आपको ग्रेविटेशनल, और यही आपको ये है, तो आप जो स्लाइड में दूंगा आपको उसमें से रीड कर लोगे, कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप वहाँ से उसको चीज़ों को याद रख सो, एक दो पॉइंट तो आपको याद ही होने चाहिए। सम डिसएडवांटेज ऑफ साइक्लोन आर लो एफिशिएंसी, जो मैंने कहा था आपको, यूजली हाई प्रेशर लॉस, सब्जेक्ट टू इरोसिव वेयर एंड क्रॉकलिंग, सॉलिड पार्टिकल बिंग पोशन एब्रेसिव एंड स्टिकी। इंडस्ट्रियल यूज कहाँ कहाँ होता है, शिप अपलोडिंग, पावर स्टेशन, स्प्रे ड्रायर, फ्लूडाइज्ड बेड, रिएक्टर, सिंथेटिक डिटर्जेंट, फूड प्रोसेसिंग, क्रशिंग सेपरेशन, फॉसाइल, वैक्यूम क्लीनर, डस्ट सैंपलिंग। तो यहाँ पर ये सब यूज होता है। साइक्लोन की इफिशियंसी क्या है, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, यहाँ पर न्यूमेरिकल की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, जब आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके एक्सटर्नल में, तो पूछा जाएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डायग्राम, इसकी लिमिटेशन, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तब तो सब तो हो ही गया, आप लिख दोगे। सेकेंड है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल में एक टेबल दी होगी, जिस टेबल में देख सकते हो आप पार्टिकल्स का साइज दिया हुआ है, 1 डाया, 5 डाया, माइक्रोमीटर में 10, 20, 30, और उसका वेट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से दो आपके पैरामीटर दिए होंगे, और आपको उस साइक्लोन सेपरेटर का सारा डाटा दिया होगा, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, डाया, रेडियस, सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी होगी, गैस की विस्कोसिटी, ये डाटा गिवन है, ये टेबल गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन लगा के, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इस इक्वेशन से आपको निकालना है डाया ऑफ सेटल पार्टिकल्स, सारा चीज़ गिवन है, इक्वेशन याद है आपको, डाया ऑफ पार्टिकल आपने निकाल लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो चीज गिवन है आपको, आपको डीपी बाय डीपीसी, डीपीसी आपने निकाला है, डीपी आपका गिवन है, ठीक है। तो रेशियो निकल गया, इफिशेंसी का फॉर्मूला ये है, यहाँ पे देखो इफिशेंसी बढ़ते जा रही है, ठीक है, क्योंकि इफिशेंसी क्यों बढ़ते जा रही है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल इस न्यूमेरिकल में जो सेटलिंग डाया है वो कितना, 8.9 माइक्रोमीटर, और इस डाटा के हिसाब से अगर 60 माइक्रोमीटर का डाया आपको सेटल करना है, लेकिन आप कर रहे हो 8.9, तो एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा होगी,
इसी तरह एफिशिएंसी, जैसे जैसे यहाँ पे डाया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। आप 8.9 को भी सेटल कर सकते हो, तो 60 को तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा की तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। फिर आपको टोटल समेशन ऑफ एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप में आएगा। दोबारा से एक बार देखो, आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं अलग अलग डाया के, वेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, डाटा गिवन है उसका पूरी डायमेंशंस, आपको डीपी निकालना है सेटलिंग के, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपका जो सेपरेटर है वो कितने डाया के पार्टिकल्स को सेटल कर सकता है। तो आपने इस इक्वेशन से पार्टिकल्स का डाया निकाल लिया, अब वो आ रहा है आपका 8.9। अब खुद ही सोचो, जो सेपरेटर, जो साइक्लोन सेपरेटर 8.9 माइक्रोमीटर के डाया को सेपरेट कर सकता है, सेटल कर सकता है, तो अगर उसको हम 60 से ज़्यादा का डाया सेटल करना हो तो ईजिली कर लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती रहेगी जैसे कि डाया ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फॉर्मूले से आपका डाया निकल गया, उसके बाद इफिशियंसी का फॉर्मूला है ये, ई आपका एक टेबल बना लेंगे जिससे इफिशियंसी इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई देगी, फिर आपका डब्ल्यू और ई का मल्टीप्लाई कर दोगे और उससे आप समेशन ऑफ ओवरऑल इफिशियंसी आप निकाल लोगे। ओवरऑल इफिशियंसी जो आ रही है इसकी 69.15% आ रही है। इसको जरा इसका कॉन्सेप्ट समझो, आपने इस साइक्लोन सेपरेटर को एटमोसफेयर में बाहर रख दिया, इनलेट से हवा जा रही है, आउटलेट से हवा निकल रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे इसके बेस पे, वहाँ से उन पार्टिकल्स को आप निकालोगे, ठीक है, उन पार्टिकल्स का वेट कर लोगे और कंसंट्रेट बता दोगे कि कितना कंसंट्रेट था पार्टिकल्स में, जो एम्बिएंट एयर का स्टैंडर्ड है वहाँ पर आप कंपेयर कर लोगे। ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि पहले आपको ये भी पता करना होगा कि जो सेटल पार्टिकल्स हैं वो किस किस डाया के हैं। हर डाया के लिए जैसे PM 2.5, PM 10, अगर PM 10 का स्टैंडर्ड आप बता रहे हो तो PM 10 डाया के पार्टिकल्स का ही बताओगे ना, पर वो तो मिक्स आ रहे हैं, तो उनको भी अलग अलग सेपरेट करोगे, फिल्टर कर लोगे आप, ठीक है, तो फिल्टर करने के बाद अलग अलग करके उसका स्टैंडर्ड बता दोगे। बट ये भी तो बताना होगा कि जो साइक्लोन सेपरेटर है इसने एयर में से लगभग 70 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक सभी को सेपरेट कर दिया है, लेकिन किसको कितना किया है, उसकी एफिशिएंसी क्या थी, इसी तरह से आप उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी निकालोगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं है आपने क्या कहते हैं ये सेपरेटर को ही आपने इक्विपमेंट बनाया है 50 माइक्रोमीटर के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, और वो 60 को ना करे, 60 को जाने दे, 60 को हवा में जाने दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, अगर 50 के लिए बनाया तो 50 से जितने भी ऊपर होंगे वो सब सेटल होंगे। तो इस तरीके से आपका ये साइक्लोन सेपरेटर है जिसके ऊपर इस तरीके न्यूमेरिकल आएगा। एक और मेरे पर PPT, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा तो देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है, ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम सेम वैसा ही है, प्रिंसिपल वही है आपका। आपका जो इनलेट होता है वो टेंजेंशियल होता है जिससे साइक्लोनिक बिहेवियर बन सके आपका एयर का, ठीक है, मैकेनिज्म वही होता है, ये आउटलेट हो गया, इनलेट हो गया और हैवी पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन ये अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, इसमें पीपीटी में ऐड है। हाइड्रो में लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। डिसएडवांटेज एडवांटेज हो चुकी है, इंडस्ट्रियल यूसेज हो चुका है, तो सारे डाटा PPTs जाओ भी डाउनलोड करोगे सब में सेम है। अच्छा, मेरे पास एक एनिमेशन भी है, एनिमेशन वीडियो है, वो भी देख लेते हैं। एनिमेशन वीडियो में हाइड्रोसाइक्लोन के बारे में ही, सेम एज साइक्लोन सेपरेटर फॉर एयर, दोनों सेम है, उसमें लिक्विड होता है, बिहेवियर सेम ही होता है, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें या आपकी एयर यहाँ से इनलेट हुई और ये साइक्लोनिक बिहेवियर उसका आ गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हो गया, पार्टिकल्स आउटलेट में ज़्यादा फैल जाएंगे सरफेस पे और धीरे धीरे वो नीचे इस तरह से सेटल होने लगेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोसाइक्लोन है, इसमें लिक्विड है, सेम एज एयर में भी यही होता है।
और इसमें भी अगर हम फिल्टर लगा देना नीचे अलग अलग डाया के, तो वो अलग 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 डाया के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए तो इस तरीके का ये हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर है, इंडस्ट्री में यूज होता है। एक और देख लेते हैं, एक और पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा डाटा हो तो उसको पढ़ते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। देखो जैसे अभी न्यूमेरिकल मैंने बताया ना, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है। और कुछ नहीं है, तो ये आपका साइक्लोन सेपरेटर है, इतना ही। एक न्यूमेरिकल, वर्किंग प्रिंसिपल, लिमिटेशन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म और इसका इंडस्ट्रियल यूज और आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको याद कर लेनी है। ये दो तीन टॉपिक तो यूनिट थ्री में से, हर यूनिट में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ऐसा तो है नहीं कोई यूनिट छूट जाती है। तो जो आपकी ये वाली यूनिट है ना, थर्ड यूनिट, इसमें से ये जो चार मेथड हैं आपके, इनमें से एक ना एक तो आना ही आना, ठीक है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट कलेक्टर। वेट नाम से ही पता चल रहा है, वेट यानी कि उसमें कोई लिक्विड कुछ यूज, कुछ स्टिकी मटेरियल यूज होगा। वेट कलेक्टर भी बोलते हैं, वेट स्क्रबर भी कहते हैं, जो आपके यूनिट में दिया हुआ है, वेट सेपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, और वेट कलेक्टर भी कह सकते हैं। तो तीन नाम बोल सकते हैं, वेट कलेक्टर, वेट सेपरेटर और वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर आर एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर रिमूविंग पार्टिकल एंड गैस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट स्ट्रीम। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये गैस भी निकाल सकता है, पोल्यूटेंट गैस को भी रिमूव कर सकता है और ये पार्टिकल्स को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इट इज ऑपरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द डर्टी गैस स्ट्रीम बाय स्क्रबिंग लिक्विड एज वाटर देन गैसेस आर। इसको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, अगर बारिश से पहले तेज हवा चल जाए तो क्या होता है, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। अगर बारिश हो जाए उसके बाद हवा चले तो हवा बिल्कुल प्योर क्लीन होती है ना, ठीक है। जो जमीन से हमारी, जो जमीन पर ग्राउंड पर जो हमारी धूल मिट्टी, एक तो वो सेटल हो जाती है, ठीक है, वो गीली हो जाती है तो वो हवा उसको उठा नहीं पाती है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो हवा के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो भी पानी के साथ नीचे बैठ के पानी को गंदा करते हुए पानी के साथ नीचे सेटल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें बारिश के बाद की जो एयर है बहुत क्लीन लगती है। उसी मैकेनिज्म पे ये आपका मैकेनिज्म है वेट स्क्रबर। एक हवा की वेलोसिटी, हवा एक जगह से फॉलो कर रही है, उसमें अगर पानी का छिड़काव, पानी स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें से पार्टिकल और मे बी पॉल्यूटेंट गैस को रिमूव किया जा सकता है, उसी मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। तो इट इज ऑपरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द डर्टी गैस स्टीम विद स्क्रबिंग लिक्विड एज अ गैस, देन गैसेस आर कलेक्टेड इन द स्क्रबिंग लिक्विड। वेट स्क्रबर आर यूजुअली द मोस्ट एप्रोप्रिएट एयर पोल्यूट कंट्रोल डिवाइस फॉर कलेक्टिंग बोथ। दोबारा बार बार इसमें ध्यान रखना, इसमें बोथ हो रहा है, पार्टिकुलेट एंड गैस इन सिंगल सिस्टम अलोन। हाई कलेक्शन इफिशियंसी है इसकी, मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप है, फ्यूम्स आल्सो एब्जॉर्ब, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो है, कंप्लीट वेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इमिशन ऑफ मिनिमम प्रोडक्ट थ्रू एग्जॉस्ट, एबिलिटी टू हैंडल हाई टेम्परेचर। ये इसके फीचर्स हैं आपके। एक बार इसकी मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो क्लियर हो, फिर आगे समझने में क्लियर हो, ठीक है। इसकी भी मेरे पास एक वीडियो, एनिमेशन वीडियो, इसको देख लो। ये है आपका वर्किंग एनिमेशन ऑफ वेट स्क्रबर, वेट कलेक्टर, वेट सेपरेटर। यहाँ से आपका पॉल्यूटेड एयर इनलेट होगी, जो आपका यहाँ पे स्क्रबिंग लिक्विड होगा, ठीक है, स्प्रे होगा लिक्विड, नोजल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हवा तो वहां से इनलेट होगी नीचे से, हमेशा अभी और जितने सेपरेटर थे वहां ऊपर से होती थी, यहाँ नीचे से हो रही है, ऊपर से आपका स्प्रे हो रहा है। पोल्यूटेड एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद फाइन ड्रॉपलेट ऑफ स्क्रबिंग लिक्विड एंड अब्सॉर्ब बाय स्क्रबिंग लिक्विड।
लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है पोलूटेंट, जो उसमें से आउटलेट में जो पानी निकलेगा ना वो गंदा होगा, ठीक है, और ऊपर से आपकी क्लीन एयर निकल रही है और नीचे आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है विद पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स कह सकते हो आप. स्क्रबिंग लिक्विड इज रिसाइकल अप टू इट्स सैचुरेटेड पॉइंट. ठीक है, तो ये है आपका वेट स्क्रबर. इस रिलेज ओनली, आप इसका प्रिंसिपल तो समझ ही गए होंगे ऐसे मोटा मोटा कि इसमें होता क्या है, पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे जो पानी की जो ड्रॉप्स हैं वो पोलूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पानी के साथ ही सेटल हो जाती हैं और गैसेस और पार्टिकल्स दोनों को ये कलेक्ट करता है. तो मोटा मोटा सा कंसेप्ट समझ गए हैं. इट रिलेज ऑन द लिक्विड स्प्रे टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गैस स्टीम. इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूम एब्जॉर्प्शन, हैंस इट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूम एक्सटर्नल सिस्टम इन रिमूव ऑल एयर पोल्यूटेंट बाई इनर्शिया डिफ्यूजल इन्फेक्शन एंड रिएक्शन एब्जॉर्बेंट. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो काफी बड़े लेवल पे ये होता है. ठीक है, एयरो क्लीन करने के लिए यहाँ पे आपका इंजेक्ट की जाती है स्ट्रीम और यहाँ पे आपका ये ड्रॉप्स हैं जिसमें आपका डर्टी एयर ऊपर जाती है और क्लीन एयर यहाँ से आपकी बाहर निकलती है. एडवांटेज स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट, स्क्रबर रिड्यूस द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. अब ये कह रहा है कि स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट, लेकिन ऊपर आपको दिखाया गया होगा मैंने कि बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये गैस को क्लीन कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कंपेयरिंग टू अदर सेपरेटर इसका साइज छोटा होता है अगर इसी वॉल्यूम की एयर को क्लीन किया जाए. नो सेकेंडरी डस्ट सोर्स, हैंडलिंग हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी गैस स्ट्रीम. डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन प्रॉब्लम, क्योंकि लिक्विड यूज हो रहा है तो कोरोजन प्रॉब्लम हो सकती है. हाई पावर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वाटर स्प्रे किया जा रहा है. ठीक है, एफिशिएंसी पर्टिकुलर मैटर अटेन ओनली एट द हाई प्रेशर ड्रॉप्स. ठीक है, इसीलिए इसमें पावर चाहिए होगी. वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम, कि उस पानी को कहाँ फेंके, क्योंकि पानी भी वो क्या हो चुका है, पोलूटेंट हो चुका है. तो ये था आपका वैक्ट कलेक्टर, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है. ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डायग्राम, इसकी लिमिटेशन, इसका मैकेनिज्म, ये आपका. तो ये आपके तीन तरह के कलेक्टर हैं.